हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपके केवीएस 2023 फिजिकल एजुकेशन टीजीटी के एग्जाम को देखते हुए मैं 665 क्वेश्चंस का सीरीज चला रही हूं, जिसमें से पार्ट बाय पार्ट आपको जल्द ही पूरा करने वाली हूं। ये पार्ट नंबर 12 है। तो चलिए चलते हैं समय नष्ट करते हुए अपने प्रश्नों की तरफ। तो दोस्तों, क्वेश्चन है कि निम्न में से कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा किसमें होती है। ऑप्शन है चावल, शहद, चना, गुड़। तो इस ऑप्शनों में सबसे ज्यादा होता है आपका गुड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से करीब निम्न ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। एंड दोस्तों, 1 ग्राम प्रोटीन से भी 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी होती है? 1 ग्राम प्रोटीन से भी 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। एंड 1 ग्राम वसा से 9.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि सबसे ज्यादा कैलोरी प्राप्त होती है 1 ग्राम से वसा में, एंड सबसे जल्दी प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट में। इंस्टेंट एनर्जी सोर्स भी बोला जाता है कार्बोहाइड्रेट को, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओबेसिटी नामक बीमारी निम्न की अधिक मात्रा लेने से होती है। ओबेसिटी यानी मोटापा जो होती है, किसकी अधिक मात्रा लेने से होती है? तो वसा यानी कि फैट, वसा यानी कि फैट ज्यादा लेने से होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा की प्राप्ति निम्न से होती है। तो सबसे अधिक ऊर्जा की प्राप्ति किससे होती है दोस्तों? वसा से होती है। और वही पूछेगा सबसे जल्दी किससे होती है, और ज्यादा हम 55 से 60% अपने बॉडी के लिए इस्तेमाल करते हैं कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है, 20 से 25% इस्तेमाल करते हैं 25 से 30% वसा से, एंड 10 से 15% प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए जरूरत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त को लाल रंग प्रदान करने वाले हीमोग्लोबिन के निर्माण में निम्न सर्वाधिक सहायता होता है। तो हीमोग्लोबिन, हीम यानी ग्लोबिन प्रोटीन होता है और आयरन होता है। तो हीमोग्लोबिन तो जो लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का जो लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के निर्माण में सबसे सर्वाधिक योगदान कौन देता है, सहायता कौन होता है? आयरन यानी कि लोहा। ठीक है, नेक्स्ट है, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का निर्माण निम्न में से कौन करता है? तो दोस्तों, थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का निर्माण आयोडीन करता है। जैसे कि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन किससे स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथि से, जो हमारे गले पर होता है, और शरीर की सभी उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करता है थायरॉक्सिन हार्मोन। ये आप ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न पाचक एंजाइमों के निर्माण में निम्न महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो दोस्तों, जो खनिज लवण है वो महत्वपूर्ण काम करता है पाचक एंजाइमों के निर्माण में। नेक्स्ट है, दांतों तथा अस्थियों के निर्माण में निम्न महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, जो कैल्शियम फास्फोरस होता है वो दांतों तथा अस्थियों के निर्माण में सबसे ज्यादा भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकेट्स नामक रोग निम्न में से किसकी कमी से हो जाता है? तो दोस्तों, जो रिकेट्स होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। अब विटामिन डी से हमको कैल्शियम मिलता है, तो यहाँ पे कैल्शियम ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम प्राप्ति का सबसे प्रमुख स्रोत निम्न है। तो सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है आपका, इस जो ऑप्शन दिया है उसमें, दूध। नेक्स्ट है, कैल्शियम का कितना परसेंट भाग दांतों तथा अस्थियों में पाया जाता है? तो 18%। नेक्स्ट है, रक्त को शीघ्र जमाने में सर्वाधिक सहायक है तो कौन है? कैल्शियम।
जो खनिज तत्व है उसमें रक्त को जमाने में कैल्शियम योगदान देता है, विटामिन में विटामिन के देता है, एंड जो रक्त कणिका है, रक्त कोशिका है, उसमें आपका प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट देता है, एंड जो प्रोटीन है, जो हमारे प्लाज्मा में प्रोटीन पाया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन जो होता है, जिसका निर्माण यकृत यानी लीवर में होता है, वो भी आपके रक्त को क्लोटिंग यानी कि थक्का जमाने में मदद करता है। और एक तत्व होता है हिपेरिन, जो हमारे जो इसका निर्माण हिपेरिन का लीवर में होता है, बट वो करता क्या है कि हमारे शरीर में जो रक्त होता है उसको तरल अवस्था में बनाए रखता है, शरीर में उसको जमने नहीं देता है, नहीं तो शरीर में यदि ब्लड जम जाएगा तो उसको हैमरेज बोलते हैं, शरीर में ब्लड जमने को हैमरेज बोलते हैं, जिससे इंसान की तुरंत मृत्यु हो जा सकती है। तो इसलिए हिपेरिन जो है हमारे शरीर के अंदर रक्त को तरल बनाए रखता है, और बाहर आते ही जब हम कट जाते हैं तो जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन होता है यानी कि जो प्लेटलेट्स होता है वो क्या करता है, एक्टिव हो जाता है और रक्त को जमा देता है। तो इसमें आपका खनिज लवण में कैल्शियम, विटामिन में के एंड रक्त कणिका में प्लेटलेट्स, और जो प्रोटीन होता है हमारे शरीर में वो प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन, ये सभी रक्त को जमाने में भूमिका अदा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल नियंत्रण में मुख्य भूमिका निभाता है, तो कौन निभाता है? सोडियम, फास्फोरस, आयोडीन। तो इनमें जल नियंत्रण में भूमिका मुख्य भूमिका कौन निभाता है? तो जल नियंत्रण में मुख्य भूमिका निभाता है इसमें सोडियम। कौन निभाता है? सोडियम। नेक्स्ट है, तंत्रिकाओं को सुचारू रूप से कार्य करने में सर्वाधिक मदद करता है, तो यह करता है दोस्तों पोटेशियम। ये हमारे मांसपेशियों को संकुचन और प्रसारण में भी जो तंत्रिका यानी मस्तिष्क को सूचनाएं भेजता है, लाता है, उसमें योगदान देता है पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणों के निर्माण में सर्वाधिक सहायक होता है, तो कौन होता है लाल रक्त कणों के निर्माण में सर्वाधिक सहायक? तो वो होता है आपका आरबीसी के निर्माण में लोहा, यानी कि उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है वह लोहा और ग्लोबिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, तो लाल रक्त कणों के निर्माण में सबसे अधिक योगदान देता है लोहा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रौढ़ावस्था में कैल्शियम के अभाव में निम्न रोग हो जाता है, तो कौन सा रोग हो जाता है प्रौढ़ावस्था में कैल्शियम की कमी से? ऑस्टियोमलेशिया। कौन सा रोग हो जाता है? ऑस्टियोमलेशिया। और जो रिकेट्स है दोस्तों वो होता है आपका विटामिन बी की विटामिन डी की कमी से, एंड बेरी बेरी विटामिन बी की कमी से, मरास्मस प्रोटीन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितना धड़कता है? आप सबको पता है ये 72 बार धड़कता है, बट जब हम अभ्यास करते हैं उस टाइम 160 से 180 बार धड़कता है, और जब हम अभ्यस्त हो जाते हैं, एक प्रशिक्षित खिलाड़ी हो जाते हैं, तो 40 से 50 बार हमारा हृदय धड़कता है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ व्यक्ति में सोडियम की लगभग मात्रा कितनी होती है? सोडियम क्या करता है? हमारे शरीर में अम्लक्षार संतुलन करता है, जल का संतुलन करता है, तो हमारे शरीर में सोडियम की लगभग मात्रा होता है 120 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी कमी से शरीर का निश्चित अम्लीय क्षारीय माध्यम में संतुलन नहीं रह पाता? तो जो हमारे शरीर में अम्ल क्षार का संतुलन करता है वह होता है सोडियम, और इसी कमी से हमारे शरीर में अम्ल क्षार का संतुलन नहीं रह पाता। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव शरीर में आयोडीन की सर्वाधिक मात्रा निम्न जगह पर पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है? तो यह पाई जाती है थायराइड ग्रंथियों में। जब थायराइड ग्रंथि खराब हो जाती है तो हमारे शरीर में सभी उपापचय क्रिया जो है वो खराब हो जाती है। नेक्स्ट है, विभिन्न ऊतकों में कोशिकाओं को परस्पर बांध कर रखने का सर्वाधिक काम कौन करता है? कौन सर्वाधिक रूप से विभिन्न कोशिकाओं को आपस में बांधे रखता है? तो यह आपका विटामिन सी करता है। कौन सा? विटामिन सी करता है। नेक्स्ट है, मादक पदार्थों के सेवन से शरीर का निम्न अंग प्रभावित होता है, ऑप्शन है मस्तिष्क, यकृत, लीवर, तो ये सभी अंग प्रभावित होता है मादक प्रभाव पदार्थों के सेवन से। नेक्स्ट है, निम्न में सबसे कम मादक पदार्थ होता है किसमें? आसन है चाय, अफीम, ड्रग्स,
शराब इसमें से सबसे कम मादक पदार्थ होता है चाय में। नेक्स्ट है किप्टोपेडिक यानी टीबी रोग उत्पन्न करने में निम्न जीवाणु सहायक होते हैं। जो तपेदिक होता है दोस्तों यानी टीबी, जिसको क्षय रोग भी बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, क्षय रोग भी बोला जाता है और टीबी भी बोला जाता है और राजयश्मा भी बोला जाता है इसको। तो यह किसके कमी किस किस जीवाणु के यानी बैक्टीरिया के कारण होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। तो यहां पे तो कोई ऑप्शन नहीं है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त में कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्वचा के रोग, फोड़े, फुंसी आदि को पैदा करने वाले जीवाणु जिम्मेदार हैं, तो कौन से जीवाणु जिम्मेदार है इसके लिए? तो इसके लिए जिम्मेदार है कोकस जीवाणु। कौन सा जीवाणु? कोकस जीवाणु। नेक्स्ट हैजा रोग फैलाने में निम्न जीवाणु सहायक होते हैं। तो जो हैजा रोग होता है यानी कॉलेरा होता है, ये कौन से जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण फैलता है? विब्रियो कॉलेरी। किसके कारण फैलता है? विब्रियो कॉलेरी। ठीक है, यह दूषित जल और दूषित भोजन के कारण भी फैलता है। नेक्स्ट है कि गर्म देशों में पेचिस और मलेरिया को फैलाने वाले निम्न जीवाणु होते हैं। तो दोस्तों पेचिस और मलेरिया जीवाणु विषाणु कवक प्रोटोजोआ किससे फैलता है? तो जो पेचिस और मलेरिया होता है यह होता है प्रोटोजोआ जनित रोग। किससे? प्रोटोजोआ जनित रोग। जो मलेरिया होता है प्रोटोजोआ यानी परजीवी, मलेरिया का परजीवी प्लाज्मोडियम होता है, वाहक होता है मादा एनाफिलीज मच्छर। एंड जो पेचिस होता है वो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी यानी वाहक से फैलता है। ठीक है, तो इस ध्यान में रखिएगा, मलेरिया और पेचिस दोनों है आपका प्रोटोजोआ जनित रोग। नेक्स्ट है बीसीजी का टीका बच्चों में निम्न अवधि में लगाया जाता है। बीसीजी यानी कि ए लगाया जाता है ट्यूबरक्लोसिस यानी कि तपेदिक रोग के लिए। और कब लगाया जाता है? जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है यानी 0 से 3 माह, और ज्यादा ज्यादा लेट हो गया तो 1 माह के अंदर, 1 साल के अंदर लगा देना चाहिए, क्योंकि जितना ही लेट होगा उतना ही इसका प्रभाव कम होगा। नेक्स्ट है एमएसआर का इंजेक्शन निम्न माह में लगता है, यह 15 माह में लगता है। नेक्स्ट है कि रोगाणु नष्ट करने के लिए निम्न विधि को अपनाया जा सकता है। तो रोगाणु नष्ट करने के लिए भौतिक संक्रामक, प्राकृतिक विसंक्रामक, रासायनिक विसंक्रामक यानी कि ये सभी विधियां अपनाई जा सकती हैं। नेक्स्ट है वायु द्वारा फैलने वाला रोग निम्न है। ऑप्शन है चेचक, खसरा, तपेदिक, उपरोक्त सभी, ये सभी जो है वायु द्वारा फैलने वाले रोग हैं। लेकिन इसमें से हम देखेंगे कि जीवाणु विषाणु कवक इन सबसे कौन कौन फैलता है। जैसे कि चेचक है, यह आपका फैलता है विषाणु यानी कि वायरस द्वारा, वेरियोला वायरस द्वारा। और जो तपेदिक है यानी कि जो जिसे टीबी यानी क्षय रोग भी कहते हैं, या माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से फैलता है, जीवाणु से फैलता है। और जो खसरा है, यह खसरा फैलता है विषाणु से यानी कि वायरस से, यह पैरामिक्स वायरस से फैलता है। ठीक है, इसका भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है जल द्वारा फैलने वाला रोग निम्न में है। ऑप्शन है हैजा, टाइफाइड, अतिसार। तो हैजा, टाइफाइड, अतिसार, ये तीन के तीनों है आपके जल द्वारा फैलने वाला रोग, जिसमें से हैजा जो है आपका बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाला रोग है, जो विब्रियो कॉलरी नामक बैक्टीरिया से फैलता है। टाइफाइड भी आपका बैक्टीरिया से फैलता है, जो सालमोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से फैलता है। और जो अतिसार है वह किससे फैलता है? अतिसार यानी कि पेचिस,
तो जो पेचिस होता है आपका अतिसार, वो फैलता है प्रोटोजोआ द्वारा, एंड अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वस्थ जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को लंबे समय तक जीवन यापन के योग्य बनाता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है जे एफ विलियम्स का, ठीक है। किसने कहा है कि स्वस्थ जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को लंबे समय तक जीवन यापन के योग्य बनाता है? तो यह आपका बात कहे हैं जे एफ विलियम्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य केवल रोग अथवा दुर्बलता की अनुपस्थिति को नहीं बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक खुशहाली की स्थिति को कहते हैं। तो इस परिभाषा को दिया है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुआ था। इसका कहना है कि जो स्वास्थ्य है केवल रोगों से मुक्ति होना ही नहीं है, वो शारीरिक, मानसिक, शारीरिक हर एक रूप से वह स्वस्थ होना चाहिए, खुशहाल रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुफ्फुस धमनी में निम्न रक्त होता है, तो जो दोस्तों फुफ्फुस धमनी यानी पल्मोनरी आर्टरी होती है उसमें कौन कैसा रक्त बहता है? उसमें अशुद्ध रक्त होता है जो फेफड़ों में जाकर के शुद्ध होता है, उसके बाद शुद्ध होकर के पल्मोनरी सिराओं के द्वारा बाएं अलिंद में आता है, बाएं अलिंद से बाएं निलय में आता है, बाएं निलय से सेमोनिलर वाल्व द्वारा चला जाता है, आरटी वाल्व द्वारा चला जाता है, कहां पे? महाधमनी में, और महाधमनी से समस्त शरीर में भेज दिया जाता है। तो फुफ्फुसी धमनी पल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त। और ऐसे आप ध्यान रखिएगा कि धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन धमनियों में अपवाद क्या है कि फुफ्फुस धमनी यानी पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है और सिराओं में अपवाद है कि पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रक्त बहता है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? तो दोस्तों विटामिन सी जो होता है वो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, और विटामिन बी, तो विटामिन सी इसमें दिया नहीं है तो इसमें कोई नहीं होगा, और सबसे नजदीकी आंसर हो जाता है आपका विटामिन बी, तो इसमें विटामिन बी आप लगा सकते हैं, बट सही आंसर है विटामिन सी जो है वो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटापा किसकी अधिकता के कारण होता है? तो दोस्तों हमारे शरीर में जब वसा ऊतक की वृद्धि हो जाती है तो शरीर में मोटापा अधिक हो जाता है, और वो ज्यादा वसा युक्त भोजन लेने से होता है, और कोई एक्सरसाइज ना करने से, कोई फिजिकल वर्क ना करने से ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट है विषाणु द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है कुष्ठ रोग, चेचक, दमा, प्लेग। तो इसमें जो विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग है, तो विषाणु द्वारा कौन है इसमें फैलने वाला रोग? तो विषाणु द्वारा इसमें फैलने वाला रोग है चेचक। क्या है? चेचक। इसमें जो जो प्लेग कुष्ठ रोग है यानी लेप्रोसी, जिसे कोढ़ भी कहा जाता है, हेंसेस डिजीज भी कहा जाता है, ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री बैक्टीरिया से फैलता है, और जो प्लेग है वह पास्चुरला पेस्टिस से फैलता है, मतलब जानवरों के कांटे से, चूहे चूहे से फैलता है प्लेग, ठीक है। एंड जो दमा है या अस्थमा, यह कवक जनित रोग है। दमा अस्थमा कैसा है? कवक जनित रोग है यानी फंगल डिजीज है, और इसमें से पूछा क्या है विषाणु द्वारा? तो चेचक, चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स, जो वेरिओला वायरस द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत तो होती है, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी कौन है? तो थायराइड ग्रंथि है, और एक पूछा जाता है कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? तो पीयूष ग्रंथि है। तो मिश्रित ग्रंथि कौन है? तो पैंक्रियाज यानी अग्नाशय है। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।